हेलो डियर जीडीशियंस। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए आप सभी ने रातों रात जागे होंगे, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों को दबाया होगा, अपने बहुत सारी खुशियों को सैक्रिफाइस किए होंगे, और उन्हीं सारी चीजों का एक फाइनल डे कल है हमारा। तो जी हाँ, कल के जीपैट एग्जाम में मेरे जितने भी फार्मा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप सभी को जीडीसी टीम की तरफ से बहुत 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 बड़ी एडवांस शुभकामनाएं कि आप सभी लोग इस जीपैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। जीडीसी की बात करते हैं तो इस बार ओवरऑल 10,000 स्टूडेंट, जी हाँ, जीडीसी फैमिली से 10,000 स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने, चाहे आप हमारे प्राइम कोर्स के स्टूडेंट रहे हो, चाहे क्रैश कोर्स के, चाहे रैंकर्स के, चाहे टेस्ट सीरीज से रहे हो या पोस्टल स्टडी मटेरियल से रहे हो, आपने कहीं से भी हमारे साथ प्रिपरेशन किया होगा तो बहुत कुछ सीखा होगा इस पूरे ड्यूरेशन में जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं। और उन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करने का दिन है कल आपका। तो अभी आपको एकदम से फ्री माइंड हो जाना है, अभी से लेके जीपैट के एग्जाम तक अब आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है। डू वॉट एवर यू मेक यू हैप्पी, सिर्फ आपको वही करना है। तो आप सभी जीडीशियंस को एंड आप सभी जीपैट एस्पिरेंट्स को जीडीसी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द जीपैट 2022। एंड एक चीज याद रखिएगा, हर एक चीज आपके फ्यूचर से जुड़ी है, तो टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है, एकदम पेशेंस के साथ आपको इस एग्जाम को देना है। आप में क्या ऐसा चीज है जो आप में नहीं है? हर एक चीज आप में है, और आपसे अच्छा किसी ने पढ़ाई नहीं किया है, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। सो यस, यू आर द वन हु हैव गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स, एंड आपसे अच्छा रिजल्ट किसका होगा? तो इसके लिए तैयार हो जाइए। एडवांस में आप सभी लोगों को मैं बेस्ट विशेस देता हूं, आप जरूर एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। अब मैं आपको कुछ चीजें कंफर्म कर देता हूं कि आज और एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एक ब्रीफ ओवरव्यू थोड़ा सा हो जाता है। अगर हमने बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं थिंग्स टू डू बिफोर द जीपैट एग्जाम डे, आज आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा अब क्वेश्चन पेपर के बारे में नहीं सोचना है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या मुझसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे चीजें होने वाली हैं, प्लीज अपने माइंड से इन सारी चीजों को डिलीट कर दीजिए। आप सोचना बंद करिए, टेक प्रॉपर स्लीप। आज की नींद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी आज आपकी नींद होगी उतना अच्छा कल आपका जीपैट एग्जाम में आपका ब्रेन वर्क करेगा और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पाओगे। डोंट ट्राई टू रिवाइज, अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो चीजें पढ़ोगे ना सिर्फ वो चीजें अब माइंड में रह जाएंगी, बाकी चीजें नहीं याद आएंगी। तो इसलिए अब पढ़ना बंद कर देना, कुछ भी नहीं पढ़ना है कि हाँ ये छूटा है ये छूटा है, सब कुछ बंद कर दीजिए। डू वॉट मेक्स योर माइंड हैप्पी, आपको म्यूजिक सुनना है, गाना गाना है, नाचना है, जो करना है करिए, बस मस्त रहने का। टेक हेल्दी डाइट, आज आपको बहुत ज्यादा हैवी डाइट भी नहीं लेना है, लाइट डाइट लीजिए एंड हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि हमें भूख नहीं लग रही है कल हमारा पेपर है, नहीं, बहुत गलत है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सा खाइएगा। एंड ऑलवेज कीप द पॉजिटिव थिंग्स इन योर माइंड बिकॉज स्पेस कैन चेंज एवरीथिंग, यू रिमेंबर दिस पॉइंट। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो भी हमने बात किया, आपका एडमिट कार्ड जिसमें आपका अंडरटेकिंग भी होना चाहिए, एक फोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक पेस्ट कर देना है अंडरटेकिंग में, एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपका एक पेन, बॉल पॉइंट पेन रेडी होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करना है। हाँ, गर्मी का मौसम है, एक बॉटल पानी का जरूर ले लीजिएगा और सैनिटाइजर ले लीजिएगा अपने सेफ्टी के लिए। इन चीजों को आपको लेके जाना है, इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। और अब मैं आपसे बात करता हूं कि कल आपको किन चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, गर्मी है तो पानी सफिशियंट इंटेक करते रहिएगा और हल्का सा कुछ भी खा के जरूर जाइएगा, अदरवाइज वहां पे आपको नींद आती रहेगी। तो सुबह अच्छा एक शुरुआत करिएगा अच्छी नींद करने के बाद और बस चले जाइएगा एग्जाम सेंटर के लिए। वियर कंफर्टेबल क्लॉथ्स, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस पहनने की कोशिश मत करिएगा या टाइट ड्रेस पहनने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा ड्रेस आपका होना चाहिए जिसकी वजह से आप 3 घंटे आराम से बैठ के एग्जाम दे सके।
चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। घर से निकलने से पहले सारी चीजों को फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर रख लेना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको वहां पे छूट मिलने वाली है। चेक योर सराउंडिंग्स। अब सेंटर पे पहुंचने के बाद प्रॉपर चेकिंग में सहयोग करिएगा, प्लीज कोई आर्गुमेंट मत करिएगा। जैसे वो चेक कर रहे हैं वो चेक करेंगे, आपको चेक करने के बाद, फ्रिस्किंग होने के बाद आपको सेंटर पे पहुंचना है, और आपको जो सीट अलॉट है वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है ना, सराउंडिंग्स चेक कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अनफेयर मींस आपके आसपास नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को भी जरूर चेक कर लीजिएगा खुद से कि कुछ भी आपके पास कोई पेपर कोई कुछ भी ना रह गया हो। चेक योर सराउंडिंग, चेक योर कंप्यूटर सिस्टम। अब जब आप सिस्टम पे बैठ जाओगे, ऑन कर लेंगे, आप उसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि हाँ चल रहा है, माउस कीबोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर कुछ भी है तो आप इन्वेजिलेटर को बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन खुलने के बाद प्रेशर नहीं लेना है, हर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको तुरंत आंसर सेलेक्ट करिएगा, जो डाउट वाले लग रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, बस पेज में लिख लीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन को फिर से मुझे देखना है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो शायद लास्ट तक भूल जाओगे कि कौन से नंबर में डाउट था। तो पेज पेन में आप क्या करोगे, लिख लोगे कि इस क्वेश्चन को मुझे फिर से देखना है, और प्रॉपर क्वेश्चन देखते जाइएगा, जो आ रहा है उसको सेलेक्ट करिएगा, टाइम जरूर ध्यान देके चलिएगा। समटाइम्स होता है कि टाइम ना ध्यान देने की वजह से हमारा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो इसलिए टाइम जरूर आप लोग एक बार माइंड में जरूर देखते रहिएगा, वॉच आपके सिस्टम पे ही चल रही होगी। नेक्स्ट, हैव एन आई ऑन द स्पेशली, और जब क्वेश्चन पढ़ना तो नॉट एक्सेप्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स, ऐसे जो आई कैचिंग वर्ड है ना इनको क्वेश्चन में जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन ये आपके क्वेश्चंस में बहुत बड़ी गलती करा सकते हैं। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, पेशेंस के साथ, डरना नहीं है, एंजाइटी नहीं लाना है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन किया है, आपने बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, सिली मिस्टेक्स वहां पे मत करिएगा वरना बहुत ज्यादा खलता है। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा। डोंट डू एनी अनफेयर एक्टिविटी, चीटिंग, टॉकिंग विथ अदर्स, कुछ भी आपको ये नहीं करना है। और इनके साथ आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ कल आपको सेंटर पे पहुंचना है, बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड के साथ। माय डियर जुडिशियस, डेफिनेटली आई हैव फुल कॉन्फिडेंस यू विल प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जीडीसी इज गोइंग टू ब्रेक देयर ओन रिकॉर्ड, क्योंकि आप लोगों ने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमने तैयारी की है। यू आर द वन हु आर गोइंग टू मेक द रैंक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एट द लास्ट एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो अपने कदमों की काबिलियत पे भरोसा करते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे भरोसा करते हैं एक दिन वही मंजिल पे पहुंचते हैं। सो आप लोग जरूर मंजिल पार करोगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम होल द टीम ऑफ जीडीसी, मेक इट रियली बिग।